हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास टेंथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज कहाँ कहाँ पर बनती है। तो देखिए, सबसे पहले When object is at infinite, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर पुट करेंगे? इनफाइनाइट पर। तो पहले बना लेते हैं, ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा हो जाता है कॉनकेव मिरर। ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई जो लाइन है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर इधर इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, तो उससे आने वाली कोई रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज कहाँ से जाती है? फोकस से। तो ये फोकस से चली गई। दूसरी रेज भी मान लिया हम पैरेलल आ रही थी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है? फोकस से। तो ये दोनों रेज जहाँ पर एक दूसरे से मीट करेंगी वहीं पर बन जाएगा क्या? इमेज। तो देखिए, लिख देते हैं सबसे पहले नेचर, इसका नेचर कैसा है। नेचर के बाद पोजीशन, पोजीशन मतलब ये कहाँ पर बनी। अगला क्या डाल देंगे? साइज, यानी इस इमेज की साइज कैसी है। तो देखिए, नेचर कैसा, ये दोनों रेज जब एक दूसरे से रियल में मीट करेंगे तो आपकी इमेज बनेगी रियल, और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। तो नेचर में क्या लिख देंगे? रियल, और रियल इमेज हमेशा होती कैसी? इन्वर्टेड। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। उसके बाद पोजीशन, देखिए पोजीशन कहाँ पर बनी? एट फोकस। तो क्या लिख देंगे? एट फोकस। साइज, देखिए साइज एकदम पॉइंट साइज की है ना, तो क्या लिख देंगे? पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। तो ये हो जाता हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर पुट करते तो आपकी इमेज बनती कहाँ पर? फोकस पर। अब हम लोग करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और इधर खिसका के लाएंगे। तो देखिए, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में करेंगे क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी, यानी अब ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे सी से थोड़ा पीछे। तो देखिए, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका फोकस। ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करेंगे? सी के थोड़ा सा पीछे। ये मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट था। इसके पैरेलल जाने वाली कोई भी रेज, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली कोई भी रेज यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो ये फोकस से चली गई, और दूसरी रेज आपकी जाती सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली कोई भी रेज अपनी ही पाथ पर वापस आ जाती। तो जहाँ ये दो रेज एक दूसरे से मीट करेंगी वहीं पर बन जाएंगी आपकी इमेज। तो देखिए, इसमें भी लिख देंगे नेचर। नेचर में क्या, देखो दोनों रेज एक दूसरे से रियल में ही मीट करें तो इमेज आपकी क्या हो जाएगी? रियल। और रियल इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड। रियल इमेज होती है इन्वर्टेड। ठीक, पोजीशन लिखे कहाँ पर बनी? बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन में क्या लिखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के मिड में बनी। साइज देखिए क्या लिखेंगे? स्मॉलर देन, यानी ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटी बनी है। तो क्या लिख देंगे? स्मॉलर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी साइज में हो जाएगा आपका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हम लोग रख चुके हैं इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट से थोड़ा सा और आगे लेकर आए, मतलब सी से थोड़ा पीछे और इनफाइनाइट से आगे। अब इमेज को कहाँ पुट करेंगे? सी पर। तो लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तब देखिए इमेज कहाँ पर आपकी बनती है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते। तो देखिए, ये आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका फोकस। अब ऑब्जेक्ट को पुट कर लेंगे कहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये फोकस से गए, और दूसरी रेज मान लिया पैरेलल को आ रही थी, ये कहाँ से जाएगी? आपकी फोकस से। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे से मीट कर गई वहीं बन गई क्या? आपकी ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं कहाँ पर? सी पर, तो आपकी इमेज भी कहाँ पर बनती है? सी पर। तो देखिए, नेचर में क्या लिख देंगे? नेचर, तो वही आपका रहेगा रियल कॉमा इन्वर्टेड, और रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। पोजीशन कहाँ पर लिखेंगे? सी पर। जब ऑब्जेक्ट को पुट करोगे तो सी पर ही उसकी इमेज बनेगी। तो पोजीशन में क्या लिख देंगे? एट सी, मतलब एट सेंटर ऑफ
कर्वेचर। साइज देखिए, साइज अब आपकी सेम साइज की इमेज बनेगी, तो क्या लिख देंगे, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनेगी है। यानी किस कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा, किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की साइज की ही इमेज बनती है, तो कब, जब ऑब्जेक्ट को हम पुट करते हैं कहाँ पर, सी पर, तो सी पर ही इमेज आपकी बनती है और सेम साइज की बनती है। ठीक, तो देखिए अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करेंगे, सी और एफ के मिड में। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, तो यहाँ पर लिख दीजिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर पुट करेंगे, सी और एफ के मिड में। तो ये आप बना लीजिए, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका फोकस। ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे सी और एफ के मिड में, तो बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली कोई भी रेज ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ये चली गई हमारी फोकस से। दूसरी रेज मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही थी, तो ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से ही, और दोनों जहाँ पर एक दूसरे से मीट की वहीं पर क्या बन गई, इमेज। तो देखिए नेचर में क्या लिख देंगे, रियल में मीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचर आपका रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो आपकी क्या हो गई, रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन, पोजीशन देखिए कहाँ बनी, तो बिहाइंड सी, यानी सी से थोड़ा सा पीछे, तो क्या लिख देंगे, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज, साइज यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ी बनेगी इस कंडीशन में आपकी इमेज, तो क्या लिख देंगे, साइज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा इमेज आपकी उससे थोड़ा सा बड़ी बनेगी। तो देखिए हम रख चुके हैं अब सी और एफ के मिड में, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करेंगे, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो देखिए फोकस पर रख देंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, एट एफ। तो बना लीजिए, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका फोकस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर पुट कर देंगे आप, फोकस पर। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली कोई भी रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से, और दूसरी रेज आपकी जाती सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वही मीडियम में वापस आ जाती। तो दोनों रेज एक दूसरे से पैरेलल जा रही हैं और पैरेलल रेज एक दूसरे को इनफाइनाइट पर मीट करती, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। नेचर आपका लिख देंगे वही रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ पर लिखेंगे, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। साइज आपकी क्या होगी, अब देखो जाकर कहीं इनफाइनाइट पर मिलेंगे तो बहुत बड़े साइज की इमेज बनेगी, तो क्या लिख देंगे, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज, यानी बहुत बड़ी साइज की इमेज बनी। ठीक, अब लास्ट कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बनी कि जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और पोल के मिड में, लास्ट कंडीशन, और ये कंडीशन आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो लिख देंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी पोल और फोकस के मिड में ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका फोकस हो गया, और ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पर रखेंगे, फोकस और पोल के मिड में। तो देखिए यहाँ से पैरेलल जाने वाली कोई भी रेज ये कहाँ से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये आपकी चली गई फोकस से। दूसरी रेज आपकी जाती सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती तो उसी पाथ पे लौट आती। अब देखिए ये दोनों रेज आपको लगेंगी डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग रेज एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं करती, लेकिन अगर हम ऐसे देखते बहुत गौर से धीरे धीरे करके, तो ये अब पीछे जाकर कहीं एक दूसरे से मीट करती आपको दिखती, एक्चुअल में ये मीट नहीं कर रही, हमने ऐसा इमेजिनेशन किया कि हो सकता है मिलती आगे, तो यहीं पर इसकी क्या बन जाएगी, इमेज। और ये आपकी इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। तो नेचर में क्या लिख देंगे, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती, इरेक्ट, इरेक्ट या फिर अपराइट लिख दीजिए, यानी कि सीधी अपराइट। और पोजीशन क्या लिख देंगे, बिहाइंड मिरर, यानी मिरर से पीछे बनी, तो क्या लिख देंगे, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, यानी मिरर से थोड़ा सा बैक में। साइज क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ी, तो क्या लिख देंगे, ग्रेटर
ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये आपका हो जाता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो देखिए लास्ट में देख लेते एक बार रिवाइज करके सब कि जल्दी जल्दी इमेज कहाँ पर रखते हैं तो कहाँ पर बनती है, ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए ये मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका क्या है पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए, और ये मान लीजिए फोकस को। तो बताइए जब ऑब्जेक्ट को रखें इनफाइनाइट पर तो उसकी इमेज कहाँ पर बनी, फोकस पर बनी एकदम पॉइंट साइज की। फिर हम क्या किए ऑब्जेक्ट को तो थोड़ा सा और लेकर आए कहाँ पर, जब सी के बिहाइंड रखा तो आपकी इमेज कहाँ बनी, सी और एफ के मिड में और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फिर हमने क्या किया ऑब्जेक्ट को पुट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो आपकी इमेज भी बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर और सेम साइज की। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया ऑब्जेक्ट को जब पुट किया सी और एफ के मिड में तो आपकी इमेज बनी बिहाइंड सी और थोड़ा सा बड़ी। ठीक, उसके बाद क्या किया हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया फोकस पर तो आपकी इमेज कहाँ बनी इनफाइनाइट पर, इधर बहुत कहीं दूर इनफाइनाइट पर। उसके बाद हमने लास्ट कंडीशन में इंपॉर्टेंट जब रखा फोकस और पोल के मिड में तो आपकी ऑब्जेक्ट बनी बिहाइंड द मिरर। तो ये आपका हो जाता है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। थैंक यू गाइस।